हाँ ये चालू तो नहीं है क्या बोलते हाँ डियर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्वेश्चन टैग। बिफोर नोइंग अबाउट क्वेश्चन टैग वी हैव टू नो व्हाट इज क्वेश्चन टैग एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज ऑन ऑन द स्क्रीन। ए शॉर्ट फ्रेज सच एज इजंट इट आर डिड यू एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस that changes it into a question and is often used to ask somebody to agree with you। अब इसको बच्चों थोड़ा सा हिंदी में देख लो। वाक्य के अंत में प्रयुक्त isn't it या did you जैसा लघु वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब वाक्य का छोटा हिस्सा जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है, changes it into a question, दूसरे को अपने साथ सहमत कराने के लिए प्रयुक्त प्रश्न कर या प्रश्न टैग। क्वेश्चन टैग को नथी प्रश्न कहते हैं, बना देता है। डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, ऑफ टैग क्वेश्चन, ए क्वेश्चन सच एज इजंट इट आर इट्स फाइन क्वेश्चन टैग लगता है। एज टू गेन द असेंट, असेंट का मतलब होता है सहमति, ऑफ आर चैलेंज द पर्सन एडजस्ट आल्सो सेंटेंस एंडिंग इन ए टैग क्वेश्चन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन टैग का बनाया जाता है। अब इसके आगे हम देखो, इसका क्राइटेरिया कहने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत वाइड है। It is very wide thing. Before knowing about question tag, देखिए question tag जो है कि depends on tenses. कैसे आप question tag पहचानेंगे, कैसे आप question tag को लिखेंगे। The basic structure of a question tag, जो मूल टैग होता स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है कि कैसे क्वेश्चन टैग हम बनाएं। ए नेगेटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब नेगेटिव स्टेटमेंट, अब वो यहां पर नीचे दिया गया है नेगेटिव स्टेटमेंट, यू आर एन 12 इयर्स ओल्ड, आप 12 साल की उम्र के नहीं हैं। अब इसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो जो है कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टैग, आर यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप अटेंशन, पे अटेंशन ऑन दिस। इफ देयर इज नॉट इन द सेंटेंस इन एनी फॉर्म देन इन क्वेश्चन टैग there we are not will be removed। ये example आपके सामने है, you are 12 years old, positive tag, are you। अब इसके बाद हमको दूसरी चीज, सबसे चीज महत्वपूर्ण चीज क्या ध्यान देना है, we have to pay attention on tenses। there are lots of different question tags but the rules are not difficult to learn। कि बहुत सारे ऐसे नियम्स हैं क्वेश्चन टैग्स, इसमें टेंस का काल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके रूल्स जो नियम है आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, उनको याद करना बहुत कठिन नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स योर स्कूल, इन योर स्कूल टीचर्स वुड हैव टॉट यू about tenses, past tense, present tense and future tense and its sub-tenses. Past, present tense में क्या होता है, simple past, simple present, present continuous, इसे progressive भी कहते हैं, simple present, present progressive or present continuous और past perfect, इसके अलावा past perfect continuous भी होता है। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट
past progressive tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. In the same way, future may be hota hai, simple future, future progressive or continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. तो इस तरह से हर एक में प्रेजेंट में भी इन प्रेजेंट टेंस देयर आर फोर पार्ट्स, पास्ट में भी फोर पार्ट्स और फ्यूचर में भी फोर पार्ट्स. तो हम एक एक के बारे में समझेंगे कैसे हमको इसको करना है. वी हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट. अब देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट में पहला स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है. यू हैव मनी, इसका हो जाएगा डोंट यू या हैव यू, हैवंट यू. तो बच्चों जो है कि इस तरह से अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा. अब दूसरा सेंटेंस है She has money. अब देखो she has money में not नहीं है, तो इसका question tag जो लग गया उसमें आ गया doesn't she. अब देखो इसके बाद बच्चों verb to be, verb to be का मतलब हो गया अगर present tense में है तो वो is am are से संबंधित होता है. किससे संबंधित होता है? is am are से संबंधित होता है. तो अब यहां पर एक दिया गया है इज सी इज ब्यूटीफुल. तो अब जो आप लोगों को यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब. तो इसमें वर्ब इज है, इसके बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा. क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है नॉट का, इजंट. इसके बाद जो एज सब्जेक्ट के रूप में आप प्रोनाउन सी है, सी है तो उसको आपको सी को उसी तरह से आपको लिखना है. दूसरा सेंटेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आर प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. तो यहां पर सेंटेंस है सी इज क्लीनिंग. अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है सी इज क्लीनिंग. तो अब इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा तो वो हो जाएगा इजंट सी. तो इज वर्ब पहले आ जाएगा, वर्ब के बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा, वो इज के साथ में ही रहेगा. इसके बाद सी जो है कि वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल है यू आर नॉट कमिंग, यू आरंट कमिंग. अब देखो यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में, ऊपर वाला सेंटेंस निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया. और यहां पर ये इसमें ये यू आरंट कमिंग ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा आर यू. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन टैग जो है कि टेंस का ध्यान देना है, टेंस के को ध्यान देते हुए आपको इसका इसकी रचना करना है. अब इसके बाद थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यू हैव डन दिस. तो जो एक चीज को ध्यान रखना कि इन द मिडल इन द सेंटेंस इज नेगेटिव आर नॉट. इफ सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी विद पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव, एंड इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन इट विल बी पॉजिटिव. यू हैव डन दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय उसी सेंटेंस को आप को फिर से लिख करके कामा करके हैवंट यू, इसके बाद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोगों को जरूरी है. दूसरा है सी हैजंट कॉल्ड यू. दोनों तरह के सेंटेंस आपको यहां पर दिए गए हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट के भी और
पॉजिटिव स्टेटमेंट के, सी हैजंट कॉल्ड यू कामा हैज सी। इस तरह से बच्चों आप लोगों को अपनी जो है कि टीचर की मदद से स्कूल में जो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे विल एक्सप्लेन यू वाइडली केवल आउटलाइन इन विद इन 45 मिनट्स। आपको जो है कि आई एम प्रोवाइडिंग यू हाउ टू राइट क्वेश्चन टैग एंड इन योर बोर्ड एग्जाम 100% 1 or 2 questions आप क्वेश्चन टैग इज आस्क, एक या दो नंबर का आपको क्वेश्चन टैग जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है। मैंने पहले बता दिया है इसमें कि रूल्स आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, इसके नियम को याद करना बहुत कठिन नहीं है। इसमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको वर्ब को पहचानना है कि वर्ब जो है कि जो जिस टेंस का होगा उसी टेंस का वर्ब को आपको लिखना है। अब बच्चों आते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड पर, क्वेश्चन टैग्स विथ पास्ट टेंसेस, दीज आर क्वेश्चन टैग्स विथ पास्ट टेंसेस। सिंपल पास्ट, यू हैड मनी, ये सिंपल पास्ट में है। तो बच्चों देखो इसका डिडंट यू हो जाएगा सिंपल पास्ट। दूसरा सी हैड मनी, डिडंट सी। अब देखो यहां पर वर्ब टू बी, प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी था, वहां पर इज एम आर आएगा, और यहां पर पास्ट टेंस में वर्ब टू बी है तो यहां पर वाज और वर आएगा। तो यहां पर वाज के साथ में एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, सी वाज ब्यूटीफुल, वाजंट सी, सी वाज ब्यूटीफुल आप लोगों को पूछा जाएगा एंड यू हैव टू राइट इट वाजंट सी, इट्स क्वेश्चन टैग। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, सी वाज क्लीनिंग। अब यहां पर भी वाज आपको ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, केवल बच्चों लगती है, यहां पर सहायक क्रिया लगती है सीवाज क्लीनिंग। अब इसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका हो जाएगा वाजंट सी। पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, हेलो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, सी वाज क्लीनिंग, वाज एंड सी। अब दूसरा एग्जांपल है यू वरंट क्लीनिंग। अब देखो इसमें ऊपर वाले में वाज था सहायक क्रिया, अब नीचे वाले में वर था, तो ठीक उसी तरह से यू वरंट क्लीनिंग यहां पर थोड़ा सा बच्चों इसको करेक्ट करना है, वर यू होगा, वरंट यू दिया गया है गलत है, यहां पर आपको वर यू करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, पास्ट परफेक्ट टेंस, यू हैड डन दिस, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हैड यू। इसका जो है कि अब देखो दूसरा सी हैडंट कॉल्ड यू, अब इसमें देखो निगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें इसका आएगा हैड सी। अब जैसे हम लोगों ने वी हैव स्टडीड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस,
like this we have to study about question tags with future tenses. These are question tags with future tenses. Future with will. You will come. देखो बच्चों जब आएगा will आएगा तो आपको लिखना है wouldn't you. The future with will. He wouldn't study. अगर would है तो will आएगा. Will है तो would आएगा. He wouldn't study. Comma will see. दूसरा है future continuous. Future continuous. He wouldn't be studying tonight. इसका क्वेश्चन टैग बच्चों विल ही होगा. दूसरा एग्जाम्पल है ही विल बी स्टडिंग विल ही. तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी अबाउट द टेंसेस इन योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर. व्हाट एवर यू आर आस्क उसमें जो टेक्सुअल ग्रामर का पोर्शन होता है टेक्सुअल ग्रामर के पोर्शन में जो भी पैरा दिया जाता है उसमें दिया जाता है उसमें से एक या दो नंबर का आपको क्वेश्चन टैग आपको पूछा ही जाएगा. किसी भी कीमत पर आप लोगों को इसके लिए एक या दो नंबर के लिए आप लोगों को हमेशा 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 के लिए तैयार रहना है ताकि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से कर सकें. और एक एक नंबर जो सरल सरल क्वेश्चन होते हैं उसका मतलब करके आप लोग एक अच्छा मार्क्स कलेक्शन कर सकते हैं. अब इसके बाद है क्वेश्चन टैग्स स्पेशल पॉइंट्स. Although the negative word not is not in the sentence can be negative. Then we use the following question tags. अब देखो बच्चों इसमें मैंने आप अभी तक तो आपको not के बारे में बताया गया लेकिन not के अलावा भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे never. He never plays soccer. अब यहां पर never है तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग उसका क्वेश्चन टैग आएगा डजंट ही नेवर रन्स विथ अस डजंट सी. अच्छा बच्चों अब हम लोग आते हैं वापस यूज विल आर वुड विथ इम्परेटिव्स. अब कभी कभी जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता किसी भी सेंटेंस में जैसे यू टर्न ऑफ द फैन डोंट यू इसका तो हो जाएगा डोंट यू लेकिन इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है ये इंपरेटिव सेंटेंस है टर्न ऑफ द फैन तो इसके लिए क्वेश्चन टैग लगेगा विल यू. पास मी द साल्ट ऐसे में होगा वुड यू. वी यूज शैल आफ्टर लेट अस. हमको जिस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग लगाना है लेट अस से लगा करके पूछा गया है तो हमें जो है कि शैल से उसका क्वेश्चन टैग शुरू करना है. लेट अस टेक द नेक्स्ट बस. अब देखो बच्चों लेट ऊपर अपोस्ट्रोफी अस ऊपर अपोस्ट्रोफी के बाद यस ये जो है कि वो अस वर्ड है अस का शॉर्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट होगा बी. योर टीचर वुड हैव टॉट यू आपके टीचर ने बताया होगा बी आवर आवर्स अस. आई का होता है आई माई माइन मी. दे का दे देयर देयर स्टेम. ही का ही हिज हिज हिम. सी का सी हर हर हर. उसी तरह से यहां पर लेट है लेट
के बाद में एपास्ट्रॉफी और यस लगा हुआ है, तो वो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे लेट अस टेक द नेक्स्ट बस। तो यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में अस है, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म हम लगा देंगे और उसके पहले शैल लगाएंगे। लेट अस टेक द नेक्स्ट बस, इसका होगा शैल वी। ठीक उसी तरह से लेट अस ग्रैब सम लंच, शैल वी। लेट अस गो टू द बीच, शैल वी। तो बड़ा आसान है, जहां पर लेट के साथ में यस लगा हो तो शैल लगा करके वी लगा दीजिए, तो आपका एक आपको आपको परीक्षा में एक नंबर वन मार्क्स इजीली आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों, देर आर सम एग्जाम्पल्स आर टैग क्वेश्चंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इट इज देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टैग क्वेश्चंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इट इज ए लवली डे, इसका हो जाएगा इजंट इट, क्योंकि इट्स जो है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट इज ए लवली डे, इसको हम अगर थोड़ा सा आराम से पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें, तो ये होगा इट इज ए लवली डे। लेकिन इसको हम जैसे लिखा गया है उस फॉर्म में पढ़ेंगे, इट्स ए लवली डे। तो यहाँ पर वर्ब इज है, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा इजंट इट, और माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू पुट कॉमा एंड इन द लास्ट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट। यू डिडंट डू योर होमवर्क, अब देखिए ये यू डिडंट डू योर होमवर्क, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग होगा डिड यू, यू डोंट लाइक मी। अब इसमें ये बड़े सरल हैं, यू डोंट लाइक मी, ये जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें इसका इसमें तो सीधा आपको वर्ब मिल रहा है डू यू, यू हैवंट सीन साज, यू हैवंट सीन सच्चा, इस नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो है कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैव यू, यू थिंक यू आर क्लेवर। अब यहां पर अब देखो इसमें ये बहुत समझने की चीज है बच्चों, यू थिंक इस पर हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा कि ये किस टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसका इसके लिए सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज होगा, लेकिन यहाँ डू अप्लाई होगा, तो डोंट यू, यू हैव ए कार, डोंट यू, सी कांट स्विम। अब इसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कैन सी, सी वाज क्राइंग। अब यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो है कि हो जाएगा नेगेटिव, सी वाजंट सी, ही डज लुक लाइक हिज फादर। अब देखो बच्चों ये यहाँ पर इस सेंटेंस को आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं ही लुक्स लाइक हिज फादर, लेकिन यहाँ डज लुक क्यों दिया गया है। डज लुक इसलिए दिया गया है कि यानी कंफर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट, किसी चीज को हम विशेष करके जब हम मस्ट के रूप में कंफर्म करते हैं तो उसके पहले हम उस वर्ब के पहले हम डू या डज लगा देते हैं,
ही डज लुक लाइक हिज फादर, नहीं इसका मतलब हो गया कि वो निश्चित रूप से ही वो अपने पिता के जैसा लगता है। तो इसका जो है कि क्वेश्चन टैग होगा डजंट सी ही हैजंट अराइव्ड येट। अब इसका जो है कि ही हैजंट अराइव्ड येट, इसका क्वेश्चन टैग होगा हैज सी, यू वांट टू कम विथ मी। अब यहां पर देखो ये सिंपल प्रेजेंट, सबसे बड़ी चीज है कि आपको टेंस का नॉलेज, टेंस के जो हिस्से के पार्ट हैं उनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। यू डू नॉट, यू वांट टू कम विथ मी। अब इसका क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू, यू कैन स्विम, कांट यू, यू डोंट नो वेयर द बॉस इज। अब इसका यू डोंट नो वेयर द बॉस इज, अब इसका हो जाएगा डू यू, दिस मील इज हॉरिबल, कमा। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा इजंट इट, दैट फिल्म वॉज फैंटास्टिक। अब देखो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें वाज लगा हुआ है, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा वाजंट इट, यू हैव ए फेरारी, डोंट यू, क्या आपके पास नहीं है। इसके बाद सी हैज ए ग्रेट टाइम, सी हैज ए ग्रेट टाइम, कामा लगा करके डिडंट सी, वापस यू डू यू यूज टू वर्क हियर, कामा डिडंट यू। इसके बाद यू आर मूविंग टू ब्राजील, अभी जो है यू आर मूविंग टू ब्राजील, ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो इसका देखो जब आर का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है तो यहाँ पर होगा, यहाँ तो होना चाहिए aren't you, आई होप यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारी इतनी स्लाइड थी, इस स्लाइड को भी पूरा हो चुका है। और हाँ धीरज सर, हेलो धीरज सर, तो आपको बताया था, फिर आपको जो है कि मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं। क्वेश्चन टैग इन शॉर्ट फ्रेज सच एज इजंट इट आर डिड यू एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट चेंजेस इट इनटू ए क्वेश्चन एंड इज ऑफन यूज्ड टू आस्क समबडी टू एग्री विद यू। वाक्य के अंत में प्रयुक्त इजंट इट या डिड यू जैसा लघु वाक्यांश जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है, वाक्य को क्या बना देता है, प्रश्नवाचक बना देता है, दूसरे को अपने साथ सहमत करने के लिए प्रयुक्त प्रश्न कर या प्रश्न टैग या नत्थी प्रश्न, इसको नत्थी प्रश्न भी बोलते हैं बच्चों, बना देता है, उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ टैग क्वेश्चन, ए क्वेश्चन सच एज इजंट इट आर इट्स फाइन, इजंट इट एडेड टू ए स्टेटमेंट और कमांड एज टू गेन द असेंट, असेंट का मतलब होता है सहमति, ऑफ आर चैलेंज द पर्सन एड्रेस्ड आल्सो ए सेंटेंस एंडिंग इन ए क्वेश्चन, इन ए टैग क्वेश्चन। दूसरा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज, ए नेगेटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट माई डियर चिल्ड्रन यू हैव टू पे अटेंशन, यू आर 12 ईयर्स ओल्ड, इसका क्वेश्चन टैग होगा आर यू। तो सबसे बड़ी बात है, मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको टेंसेस का ध्यान रखना है, टेंस का ध्यान रखेंगे तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे।
और इसको इसमें दिया गया है. देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स बट द रूल्स आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न मीन्स आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न मीन्स नॉट डिफिकल्ट को हटा दें तो उसकी जगह पर हम कह सकते हैं आर इजी टू लर्न. इनको याद करना बहुत आसान है क्यों कठिन नहीं है. टेंसेस क्वेश्चन टैग सिंपल प्रेजेंट का है यू हैव एंड यू हैव मनी इसका बच्चों ध्यान में रखो इसका होगा डोंट यू. सिंपल सिंपल प्रेजेंट सी हैज मनी डजंट सी इसका हो जाएगा. इसके बाद वर्ब टू बी यहां पर मैंने बताया था वर्ब टू बी का मतलब है प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में इज एम आर से रिलेटेड होता है. सी इज ब्यूटीफुल इजंट सी. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस सी इज क्लीनिंग इजंट सी. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का दूसरा यू आर अंट कमिंग. देखो यू आर देखो ऊपर पहला सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट था दूसरा यू आर अंट नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऊपर वाले का जो है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो गया नीचे वाले का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो गया आर यू. अब ठीक इसी तरह से अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलेंगे यू हैव डन दिस. यू हैव डन दिस आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सहायक हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगता है और इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म डू डिड डन. यहाँ पर देखो डन है तो डू डिड डू फर्स्ट फॉर्म है डिड सेकेंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है. तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैवंट यू. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सी हैजंट कॉल्ड यू हैज सी. क्वेश्चन टैग विद पास्ट टेंस देयर आर क्वेश्चन टैग्स विद पास्ट टेंस टेंसेस क्वेश्चन टैग सिंपल पास्ट you have you had money didn't you she had. दूसरा एग्जाम्पल है she had money didn't she. अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी का मैंने बताया था इज एम आर उसी तरह से पास्ट का होगा वाज और वर. सी वाज ब्यूटीफुल वाजंट सी. सी वाज क्लीनिंग ये हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव तो इसका भी क्वेश्चन टैग होगा वाजंट सी. पास्ट दूसरा यू वरंट क्लीनिंग वरंट यू. यहां पर वरंट यू नहीं होगा वर यू होगा. पास्ट परफेक्ट यू हैड डन दिस हैड यू. प्रेजेंट परफेक्ट सी हैडंट कॉल्ड यू हैड सी. क्वेश्चन टैग विद फ्यूचर टेंसेस देयर आर क्वेश्चंस टैग्स विथ फ्यूचर टेंसेस. फ्यूचर विथ विल यू विल कम वुडंट यू. फ्यूचर विथ विल ही वुडंट स्टडी विल सी. फ्यूचर कंटिन्यूअस ही वुडंट बी स्टडीइंग टुनाइट विल सी. फ्यूचर कंटिन्यूअस ही विल बी स्टडीइंग विल हर विल ही. क्वेश्चन टैग्स स्पेशल पॉइंट्स. क्वेश्चन टैग्स स्पेशल पॉइंट्स although the negative word not is not in the sentence can be negative then we use the positive question tag. He never plays saucer doesn't he. She never runs with us doesn't she. Use will or would before with imperatives. अब इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं टर्न ऑफ द फैन विल यू पास मी द साल्ट वुड यू. वी यूज स्टाइल आफ्टर लेटस यहां पर लेटस से सब शुरू होते हैं लेटस टेक द नेक्स्ट बस साइल वी. अब यहां पर वी जो है कि अस का सब्जेक्ट फॉर्म आ जाएगा तो सब्जेक्ट फॉर्म अस का वी होता है. लेट अस ग्रैब सम लंच साइल वी. लेट अस गो टू द बीच साइल वी. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ टैग क्वेश्चंस इन डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. इट इज ए लवली डे इजंट इट. यू डिडंट डू योर होमवर्क. Did you? You don't like me. Do you? You haven't seen Sasha. Have you? You think
यू आर क्लेवर। अब देखो ये ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, यू थिंक जो पहला सेंटेंस होता है, पहला होता है वर्ब होता है उसी पर बनेगा। डोंट यू, यू हैव अ कार, डोंट यू, सी कांट स्विम, कैन सी, सी वाज क्राइंग, वाजंट सी, ही डज लुक लाइक हिज फादर, डजंट ही, he hasn't arrived yet, has he, you want to come with me, don't you, you can swim, can't you, you do not know where the boss is, do you, this meal is horrible, isn't it, that film was fantastic, wasn't it, you have a Ferrari, don't you, she has a great time, didn't she, you used to work here, didn't you, you are moving to Brazil, are you, so, my dear students, in this way you have to write your question tags. Most of the rules are have been told to you and your school teacher who teaches you English will tell it one by one in a broader way. So then anybody, if anybody want to ask any question, can ask me. Hey bhaiya, aao zara isko dekho, band karna hai isko. Kisi ko kuch prashn puchna hai, kisi bacche ko? हेलो, इसको कैसे बंद, मतलब मत, मत, मत.